500 करोड़ रुपए की ड्रग बरामद होने का मामला सामने आया। दस दिए कि लोगों की सेहत के नाल वड्डा खिलवाड़ किए जाने दी साजिशां रचियां जा रही सी। इस तो पहला पुलिस के वलों वड्डा ऑपरेशन विड के इसनों काबू कर लिया गया। तो दस दिए कि गुजरात के 5000 करोड़ रुपए की ड्रग बरामद की गई है। गुजरात के अंकलेश्वर के 518 किलो कोकीन जब्त किया गया। तो अवाका ड्रग्स लिमिटेड कंपनी से रेड दौरान यह रिकवरी हुई है। दिल्ली और गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान यह सफलता हाथ लगी है। तो गुजरात दो हफ्तों के दौरान दसिया जा रहा है कि 13000 करोड़ रुपए का नशा बरामद किया जा चुका है। तो वड्डी खबर गुजरात तो सामने आ रही है। गुजरात के 5000 करोड़ रुपए की ड्रग एक बार फिर तो बरामद की गई है। गुजरात के अंकलेश्वर के 518 किलो कोकीन जब्त किया गया। एक ड्रग लिमिटेड कंपनी से रेड के दौरान यह रिकवरी हुई है। दिल्ली और गुजरात पुलिस के वलों एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिस दे दौरान दसिया जा रहा है कि गुजरात दो हफ्तों से ही 13000 करोड़ का नशा बरामद होया। जिक्र योग है कि 1 अक्टूबर को स्पैशल सैल ने दिल्ली के महिपालपुर च एक गोदाम से छापा मारिया। 560 किलोग्राम कोकीन 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मैरीजुआना की खेप जब्त की गई। जांच दौरान 10 अक्टूबर को दिल्ली के रमेश नगर च एक दुकान तो करीब 208 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई थी। सूत्रों मुताबिक पुलिस ने पाया कि यह दवाइया एक कंपनी दिया सन, जिसने अंकलेश्वर स्थित फार्मास्यूटिकल फर्म तो यह दवाइया प्राप्त कीतियां सन। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहा है, गुजरात तो सामने आ रही है जिथे कि दो हफ्तों के 13000 करोड़ रुपए का नशा बरामद किया गया। तो हूँ एक बार फिर तो जदों दिल्ली और गुजरात पुलिस के वलों ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, तो गुजरात के अंकलेश्वर के 518 किलो कोकीन बरामद की गई, जिसकी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के 5000 करोड़ रुपए दसी जा रही है।